सर पलट नहीं सकता क्योंकि जो इसका डिफरेंशियल है वो 36 इंच है और इसका जो टायर है वो बॉडी टू बॉडी आप देख सकते हैं सर। ये देखो पूरा सर ने ई रिक्शा हिला दिया और ये देखो गाइस क्या बात है, मतलब गिर नहीं सकता ये, पलट नहीं सकता, पलट नहीं सकता। ई रिक्शों की वैरायटी मिल जाएगी, लोडर चाहिए लोडर मिल जाएंगे और नॉर्मल सवारी वाले चाहिए सवारी वाले भी मिल जाएंगे। अरे ई रिक्शा में फ्रंट मोटर वाइपर लाइट्स यूज करते हैं, वो LED लाइट्स यूज करते हैं, उसके साथ रूफ कैरियर। रूफ ये ट्रेडिंग यूनिट है हमारा। अच्छा। यहाँ पर हम सिर्फ इसको रिटेल कर रहे हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हमारा बवाना में। लेफ्ट पार्ट करेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर, ओके, राइट करेंगे तो राइट इंडिकेटर, वो भी 182 किलो में सिंगल लेयर में चेसी यूज करते हैं, पीछे से आगे तक कोई जॉइंट नहीं होता है इसके अंदर। 5 लेयर में चेसी है सिंगल पीस में, कहीं से लेके कहीं तक कोई जॉइंट नहीं। ये देखो कोई जॉइंट नहीं मिलने वाला, मतलब हैवी पाइप यूज करते हैं वो भी सीआर पर यूज करते हैं इसमें, XP की या फिर CY गोल्ड की। अच्छा, वो भी सर 1200 वॉट। दोस्तों बिजनेस बड़ी की एक और नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज जो हम आ चुके हैं वो आ चुके हैं आदर्श नगर पिलर नंबर 101 के पास। जी हाँ दोस्तों, यहां पे जो है आपको ई रिक्शों की वैरायटी मिल जाएगी, लोडर चाहिए लोडर मिल जाएंगे और नॉर्मल सवारी वाले चाहिए सवारी वाले भी मिल जाएंगे। और इनकी प्राइसिंग जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ई रिक्शा है वो मैन्युफैक्चर होता है, यानी हमने आपको सीधा मैन्युफैक्चर से जोड़ दिया है। और मैन्युफैक्चर से जुड़ने के फायदे आपको मैंने हर वीडियोज में बता रखे हैं कितने फायदे होते हैं। तो यहाँ पे जो कीमत रहने वाली है इनकी क्या रहने वाली है, मटेरियल कौन सा यूज है, कौन सा ई रिक्शा आपके लिए बेस्ट है, लोडर कितने वगैरह का पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ई रिक्शा की आप वैरायटी देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो देरी ना करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बता दीजिए आपकी फर्म कहाँ पे पड़ती है और फर्म का नाम क्या रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रोप्राइटर ऑफ फतेह मोटर्स। हमारी जो लोकेशन है सर वो है आदर्श नगर सराय पीपल थला एक्सटेंशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आदर्श नगर, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट्स, सिर्फ आदर्श नगर के मेट्रो स्टेशन से दो मिनट की दूरी। सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे आपको इनकी फर्म दिख जाएगी और मैंने आपको बाहर से भी व्यू दिखा दिया है। नियरेस्ट मेट्रो पिलर नंबर 101 आप मेट्रो पिलर के सामने आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ई रिक्शा तो बहुत गजब गजब दिख रहे हैं और मैंने सुना है आप मैन्युफैक्चर हैं, यहाँ पे ई रिक्शा आपके यहाँ ही बनते हैं और आप इन्हें सेल करते हो। दरअसल ये जो है हमारा ये ट्रेडिंग यूनिट है हमारा। अच्छा। यहाँ पर हम सिर्फ इसको रिटेल कर रहे हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हमारा बवाना में, बवाना रोहिणी के अंदर। यहाँ पर हम इसको सिर्फ रिटेल कर रहे हैं, फतेह मोटर्स एक जो ब्रांड है वो इसको रिटेल करने का ब्रांड है फतेह मोटर्स। हम PC होल्डर हैं, हमें अथॉरिटी अलॉट है DL-8C जिसके माध्यम से हम इस ई रिक्शा को रिटेल कर रहे हैं आदर्श नगर। बहुत सही सर, तो देखा आपने सर ने आपको बता दिया है सारी की सारी कि यहाँ पे रिटेल करते हैं इन्हें। और ये देख सकते हो आप ई रिक्शा, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह भी मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह मिल जाएगी। और ये देखो स्टील रिम में चाहिए और अलॉय रिम वगैरह में भी सर सब में मिलेंगे। मैंने सर अलॉय आयरन हमारे पास दोनों मॉडल अवेलेबल हैं, वो आपके ऊपर है। पहली बात तो हमारा जो रिक्शा आता है वो फुली लोडेड आता है, जैसे कारों में हम कहते हैं जैसे टॉप मॉडल। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, आप एक बार सामने से देखेंगे हमारे ई रिक्शाज में फ्रंट मोटर वाइपर, LED फॉक्स लाइट, ओके, हैवी रूफ के साथ रूफ कैरियर हैवी रूफ के साथ, क्या बात है। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो हम शॉकर यूज करते हैं वो XP या उसके अलावा सर कैट बोले, अगर कैट को हम ब्रीफ करेंगे तो कृपाल ऑटो। अच्छा कैट, ठीक है जी, इसके शॉकर यूज करते हैं 13.5 किलो में। ये 13.5 किलो में रहने वाले, क्या बात है, मतलब शॉकर की जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट रहने वाली है। उसके बाद सर जो हम इसमें लाइट्स यूज करते हैं वो LED लाइट्स यूज करते हैं, ओके, LED लाइट्स रहने वाली है, जिसको हम बेसिक्स आप बोल सकते हैं। बेसिक्स जैसे आपने बाइक में देखा होगा हमेशा जो है लाइट्स ऑन रहती हैं। हाँ जी, सेम उसी तरह जैसे आप इसकी की ऑन करोगे, की ऑन करने के बाद ये बेसिक्स वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ओके, जब आप इसको मिड मतलब जैसे आप नाइट में आप जाओगे, फर्स्ट
आप जब इसको लाइट ऑन करोगे, मिड लाइट ऑन करोगे, तो आपकी ये रूफ लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखो रूफ लाइट यहाँ पे ऑन हो गई। अभी मेन लाइट ऑन नहीं हुई सर, मेन लाइट इसके बाद ऑन होगी सर सेंटर में। ये देखो हेलोजन भी यहाँ पे चालू हो चुकी है। इसकी जो मेन लाइट है यहाँ पे आपको एलईडी यहाँ पे मिल जाएगी, ऊपर भी मिल जाएगी, और ये देख सकते हो आपको सर साइड में भी मैं देख रहा हूँ सर, ये साइड में इंडिकेटर है जी। ये देखो अगर आप लेफ्ट पार्ट करेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर, ओके, राइट करेंगे तो राइट इंडिकेटर, ओके, ठीक है जी। अगर आप गाड़ी को कहीं टो करवा रहे हैं, या आपने गाड़ी कहीं खड़ी की है, या आप किसी जाम में हैं, या आप किसी इमरजेंसी में, तो आप इसमें पार्किंग लाइट भी ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप चारों इंडिकेटर कार की तरह इकट्ठे एक ही बार मतलब ऑन कर सकते हैं। तो कार वाला फीचर भी दे दिया ई रिक्शा के अंदर की पार्किंग लाइट में। और देखो गाइस आप सुन रहे हो इसमें आवाज भी आ रही है पार्किंग की, यानी अगर आप पार्क कर रहे हो तो दूर से ही लोगों को पता चल जाएगा। और ये देखो म्यूजिक म्यूजिक सिस्टम भी इसके अंदर लगा रखा है सर। जी सर म्यूजिक सिस्टम भी है। तो सर ये मतलब टॉप मॉडल है आपके ई रिक्शा में? सर टॉप मॉडल, बिल्कुल टॉप मॉडल, इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता। अंदर कैबिन लाइट भी हम देते हैं इसके अंदर। अच्छा कैबिन लाइट भी मिल जाएगी। ये देखो जी कैबिन लाइट वगैरह आपको सब प्रोवाइड करी जा रही है। और ये जो होने वाला है इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको सर। क्वालिटी ई रिक्शा में मैं आपको ब्रीफ कर दें, इस पे जो हम चेसी यूज करते हैं वो 182 किलो की चेसी यूज करते हैं, 182 केजी। तो 182 किलो की आपको चेसी मिलने वाली है, वो भी 182 किलो में सिंगल लेयर में चेसी यूज करते हैं, पीछे से आगे तक कोई जॉइंट नहीं होता इसके अंदर। अच्छा जॉइंट में चेसी क्रैक होने का डर रहता है। जो हम नेक यूज करते हैं वो भी सिंगल यूज करते हैं, पीछे से आगे फ्रंट में सिंगल पाइप आता है सर, वो भी बहुत माइनर गेज का। अच्छा हैवी गेज मतलब जिसे हम कहते हैं हैवी गेज, क्योंकि गेज में क्या होता है जितना उसका रेशो कम होती है 3:2 उतना उसका गेज बढ़ता है, मतलब हैवी पाइप यूज करते हैं, वो भी सीआर। क्या बात है, सीआर का पाइप हैवी वाला पाइप यूज करा जाता है। और इसके जो हमने फ्रंट यूज आप दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, देखिए आप सामने से फ्रंट में, फ्रंट चेस्ट पे हम सील यूज करते हैं। अच्छा इंडिकेटर बॉक्स सील यूज करते हैं, साइड में जो इसके जो मडगार्ड है वो इसमें सील यूज करते हैं, उसके बाद इसके आर्म रेस्ट, इसके बैक रेस्ट, ठीक है जी, उसके बाद जो पीछे का इसका लेग गार्ड है वो भी हम स्टील का यूज करते हैं। अच्छा ये भी स्टील का मिलने वाला ये भी है। अच्छा सर मैं एक चीज देख रहा हूँ ई रिक्शा में, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे मैंने ई रिक्शा देखे उनका साइज थोड़ा डायमेंशन कम सी होती है, मुझे इसकी ज्यादा लग रही है सर। इसकी डायमेंशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो डिफेंशियल लगा हुआ है, डिफेंशियल अगर हम ब्रीफ करें डिफेंशियल को, डिफेंशियल वो होता है जिस पार्ट के ऊपर हमारे ये पहिए लगे होते हैं। अच्छा और जिसके अंदर हम टायर भी सीएट के यूज करते हैं सर, लोकल नहीं है सीएट। अच्छा ये डायमेंशन जो हमारा है 36 इंच का हमारा डिफेंशियल है। इस डिफेंशियल से क्या होता है सर वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। आपने देखा होगा गाड़ियों की जो बॉडी होती है वो होती है बाहर और टायर होता है अंदर। जैसे ही ई रिक्शा किसी खड्डे में, छोटे से भी खड्डे में जाता है, वो ई रिक्शा पलट जाता है। सही बात है सर। तो ये सर पलट नहीं सकता क्योंकि जो इसका डिफेंशियल है वो 36 इंच है और इसका जो टायर है वो बॉडी टू बॉडी आप देख सकते हैं सर। ये देखो पूरा सर ने ई रिक्शा हिला दिया। और ये देखो गाइस क्या बात है, मतलब गिर नहीं सकता, ये पलट नहीं सकता, पलट नहीं सकता। हम आपको इसकी चेसी के बारे में ब्रीफ करेंगे, आप एक बार आए सर, मैं आपको इसकी चेसी पे एक बार दिखाता हूँ। ये देखो पूरा झुका दिया यहाँ पे, देखिए सर चेसी नीचे से 5 लेयर में चेसी है सिंगल पीस में, कहीं से लेके कहीं तक कोई जॉइंट नहीं। ये देखो कोई जॉइंट नहीं मिलने वाला आपको, ये देख सकते हो आप चेसी पूरी। और उसके बाद सर अच्छा अगर मोटर कौन सी लग रही है इसके अंदर, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ सर। अगर अपने रिक्शा पलटा ही आप देखेंगे, हम मोटर यूज करते हैं इसमें एक्सपी की या फिर सीवाई गोल्ड की। अच्छा वो भी सर 1200 वॉट, 1200 वॉट, 1200 वॉट मोटर, 1200 वॉट कंट्रोलर। तो सर मैं जो 1000 वॉट सुना था सर, 1000 में कुछ नहीं होता, आजकल जो बैटरियां हैं 1000 वॉट में कुछ नहीं होता, 1200 वॉट ही मोटर यूज होती है। क्या बात। और बैटरी सर कौन सी यूज हो रही है इसमें? सर बैटरी हम यूज करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो चलो बैटरी देखते हैं सर, बैटरी हम यूज करते हैं सर इसके अंदर ईस्टमैन या ट्रोनटेक। अच्छा ये देखो गाइस बैटरी देख सकते हो कितनी, ये सर ये है सर ईस्टमैन की बैटरी, ईस्टमैन का जो वर्जन है 105, 105 एच वॉट्समैन के नाम से जो आता है। अच्छा और इसी में हम सर ट्रोनटेक यूज करते हैं, मैं आपको ट्रोनटेक भी दिखा देता हूँ। ओके ट्रोनटेक की रहने वाली है जी सर, ईस्टमैन और ट्रोनटेक, इसके अलावा हम कोई दूसरा ब्रांड यूज नहीं करते सर बैटरी। अच्छा तो सर बैटरी के अंदर कुछ गारंटी वगैरह भी देते हो क्या? सर बैटरी की सर इसकी दिल धड़कन जान जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी है। बैटरी के अंदर जो आपको गारंटी मिलने वाली है वो है सर 3 ईयर, कंप्लीट 3 ईयर का मतलब सर कंप्लीट 3 ईयर, यानी पूरे 3 साल की गारंटी मिलती है। पूरे 3 साल की गारंटी, अगर पूरे 3 साल में बैटरी को कुछ भी डैमेजेस होता है, कुछ भी इशू आता है माइलेज का, डैमेज का कुछ भी, तो उसके लिए आपने कहीं नहीं जाना, हम अपने ई रिक्शा की गारंटी वारंटी सर्विस आपको सारे के सारे अपने शोरूम पे ही प्रोवाइड करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना सर सर्विस करवाने भी। हम गाड़ी के साथ ई रिक्शा के साथ या ई लोडर के साथ
हम आपको सर्विस भी फ्री देते हैं। क्या बात है, सर्विस भी फ्री रहने वाले। और सर सर्विस कब तक की फ्री है? सर देखो, जब आप न्यू लेते हो गाड़ी, उसके साथ हम आपको 3 सर्विस फ्री देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जब भी करवाना चाहो। देखो सर, काम तो आपने बाहर भी करवाना है। हाँ जी। अगर वही काम आप कंपनी में करवाओगे तो आपको भी पता रहेगा, आपकी भी दिल को सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने काम यहाँ पर कंपनी में करवाया। अगर आपके बाहर उसके 2 रुपए लग रहे हैं, आप हमें 1-2 पर आप काम हमारे से कराते। तो देख सकते हो यहाँ पे सर ने आपको सारी चीजें बता दी। और ये सर जो आपने पहले देखा था वो हमारा स्टील का मॉडल था। ओके। ये जो है सर हमारा MS मॉडल है। अच्छा। जो कि लोहे में रहने वाला है। तो वो स्टील में और ये लोहे में है जी। इसमें सर फ्रंट जो है ये लोहे का हो जाएगा, इसका आयरन जो शीशा। ओके। उसके बाद ये जो बैक रेस्ट है इसकी, ये भी लोहे में। अच्छा, ये भी मेटल में मिलने वाले, यानी मजबूती इसमें भी बहुत है। मजबूती की तो यहाँ पे कहीं से कमी नहीं मिलने वाली आपको। और ये भी देख सकते हैं, इसके भी अंदर भी हम डायमेंशन जो है 36 इंच यूज करते हैं। अच्छा, भी सेम है ये। सेम, तो सेम सब में मिलने वाले। अच्छा सर, इसमें और उसमें फर्क क्या है? सर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लोहे का और स्टील का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है इसी रिक्शे। बाकी सब कुछ सेम है, मोटर भी कंट्रोलर भी सब कुछ सेम है सर। अच्छा, जो प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? सर प्राइसिंग हमारे यहाँ पर 1,75,000 रुपए से लेके और 2,35,000 रुपए तक हम जो है आपको प्राइस बताएंगे। और सर खाली प्राइस नहीं, इसके साथ हम आपको 5 गिफ्ट आइटम्स भी फ्री देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ सर। क्या बात है, गिफ्ट आइटम भी फ्री मिलने वाले हो। गिफ्ट आइटम कौन से फ्री मिलने वाले हैं वो भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। अच्छा, तो ये है गिफ्ट आइटम। सर ये है वो 5 गिफ्ट आइटम जिसके अंदर आपकी 32 इंच की स्मार्ट LED, LCD नहीं सर, LED, वो भी क्या स्मार्ट बात है। उसके बाद सर एक 10 लीटर का मिल्टन का जार, वो भी सर मिल्टन ब्रांडेड है, लोकल नहीं। स्काईलाइन की प्रेस, 1 ईयर गारंटी, मोम्स का सर जूसर एंड एवरेस्ट का डिनर सेट 40 पीस। अच्छा, ये देखो भाई, गिफ्ट में भी मतलब कम नहीं मिल रही, गिफ्ट भी आपको महंगे महल नहीं दिए जा रहे हैं। कोई गिफ्ट में आपको कमी मिली, महंगे महंगे गिफ्ट और प्राइसिंग भी आपको रिक्शा की बता दी गई है। अच्छा सर, मैं देख रहा था तो लोन वगैरह भी कुछ हो जाएगा? सर लोन हमारे पास फैसिलिटी पूरी है। लोन हम यहाँ पर 1,30,000 रुपए से लेके और 1,60,000 रुपए तक लोन करा देते हैं। ओके। एज पर योर सिविल, आपका सिविल बढ़िया होना चाहिए, आपका सिविल ठीक होना चाहिए, हम आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी सेम काउंटर पे, आपने कहीं नहीं जाना। तो डाउन पेमेंट वगैरह क्या रहती है? सर डाउन पेमेंट देखो, हमारा जो बुकिंग अमाउंट है वो है 11,000। अच्छा। आप 11,000 रुपए देके अपना ई रिक्शा बुक करवा सकते हो, और अगर आपका सिविल ठीक है तो आप 11,000 रुपए में रिक्शा भी ले सकते हो। क्या बात है, 11,000 रुपए में मतलब रिक्शा भी ले सकते हो। अगर आपका सिविल सर ठीक है तो। अच्छा, यानी 11,000 तो रिक्शा ले जाओ। 11,000 तो सर रिक्शा ले जाओ, बाकी आपका जो होगा वो आपका लोन हो जाएगा। और सर लाइसेंस वगैरह की? सर हम इसके अंदर आपको लर्निंग फ्री देंगे, लाइसेंस फ्री देंगे। क्या बात है, लाइसेंस का आपने कोई चार्जेस पे नहीं करना, लर्निंग का आपने कोई चार्जेस पे नहीं करना, वो सब आपको हम फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ई रिक्शा के साथ। जैसे वो 5 गिफ्ट वो दे रहे हैं, ऐसे ही हम आपको, ये भी आपका गिफ्ट है, लाइसेंस और लर्निंग। तो यानी यार गिफ्ट भी आप देख लो कितने बढ़िया मिलने वाले हैं, और लाइसेंस भी आपको फ्री मिलने वाला है, लर्निंग। दूसरी बात सर, अच्छा सर, जो हमारा हम ई रिक्शा देंगे, ई लोडर देंगे, उसके साथ आपको 15 लाख रुपए की ड्राइवर की इंश्योरेंस फ्री देंगे। लाइफ इंश्योरेंस भी फ्री मिल रहा है? क्या लाइफ इंश्योरेंस नहीं सर, गाड़ी की इंश्योरेंस जिसके अंदर ड्राइवर कवर है 15 लाख रुपए का, और जो इसके अंदर पैसेंजर बैठेंगे वो भी 2-2 लाख रुपए कवर है। अच्छा, ड्राइवर और पैसेंजर का तो हो गया सर, अब उसके बाद जो ड्राइवर की फैमिली है उसको भी हम कवर करेंगे साथ में, जिसको हम कहते हैं लोन सुरक्षा। लोन सुरक्षा हम आपको करवा के देंगे। क्या बात, लोन सुरक्षा का मीन्स ये है सर, अगर जिसके नाम से रिक्शा है अगर उसे इन केस कल को कुछ हो जाता है। अच्छा। तो आगे EMI पे करने की नीड नहीं है आपको, आपकी रिक्शा फ्री हो जाती है बिल्कुल। क्या बात है, मतलब खुदा ना भगवान के खातिर किसी के साथ कुछ ऐसा हो, अगर कुछ भी हो जाता है तो आपका जो है ई रिक्शा बिल्कुल फ्री सर। हो देखो ड्राइवर तो, ड्राइवर तो एक बार को अगर उसे कुछ हो गया, वो तो एक बार को चला गया, सही बात, पर पीछे फाइनेंस वाले उन्होंने पैसा दिया है, वो परेशान करेंगे आपको, या आपकी गाड़ी उठाएंगे या आपको पैसा देने के लिए मजबूर करेंगे। उस केस में आपने किसी को 2 रुपए नहीं देने, आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, NOC आपके घर आपको मिलेगी। लोन सुरक्षा हम आपको करा के देंगे, जिसका आपको कोई पैसा पे नहीं करना, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सर। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है जो सर ने बताई मुझे, इससे ज्यादा अच्छी चीज तो मुझे कुछ नहीं लगे, सही बताऊँ तो मैं अभी तक, कि अगर कुछ भी हो जाता है, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो आपका जो लोन है वो फ्री हो जाता है, मतलब ई रिक्शा आपको फिर EMI पे नहीं करनी।
फिर आपको लोन वाले वगैरह, क्योंकि क्या होता है लोन वाले आते हैं परेशान करते हैं कि नहीं जी अब तो ई रिक्शा पे कर रहा है या कोई भी चीज़ खरीदिए पैसा तो देना ही पड़ेगा, वो सारा झंझट खत्म। तो आप पे कोई आया आपकी फैमिली पे कोई लोड नहीं आने वाला। अच्छा सर, बात करें लोडर की, तो लोडर ई रिक्शा की तो हमने बात कर ली, लोडर के बारे में भी थोड़ा बताइए। सर लोडर हमारे पास जो होता है हम एक इसका स्टैंडर्ड साइज निकालते हैं, लोग बोलते हैं सर 4x6। अच्छा, पर उसके अंदर क्या होता है सर, वो आपको 4x6 कंप्लीट नहीं मिल पाता। अच्छा। इसलिए हमने इसका जो डायमेंशन रखा है इनर स्पेस, लोग बोलते हैं सर 4x6 पर वो इनर स्पेस 4x6 रह जाता है। अच्छा, हमारा जो लोडर है सर आउटर स्पेस इसका मिलने वाला है आपको 4.4 और 6.25, आपको इसका इनर स्पेस कंप्लीट मिलेगा 4x6 कंप्लीट इनर स्पेस सर, बाहर से आपको मिलने वाला है 4x6। तो देख सकते हो गाइस ये बड़ा तो है, ये देखो बहुत बड़ा है, ये देख सकते हो आप यहाँ से, जैसा मैंने भी देखे है नॉर्मल जो लोडर होते हैं उनसे तो ये बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो देख सकते सर बड़ा तो मिलने वाला है, साथ में ही इसके जो हम आपको बैटरी देंगे वो भी हैवी देंगे। अच्छा, बैटरी भी हैवी मिलने वाले। अरे सर ये साइड से भी खुलता है सर, ये इसके तीनों पल्ले खुल जाते हैं, आप इसको प्लेटफॉर्म में भी यूज कर सकते हो। भैया बैटरी दिखाना, ये देखो बैटरी का देखते हैं। इसमें भी हम ट्रोनटेक की 105 एएच की बैटरी यूज करते हैं जो कि आपके 100 से 110 किलोमीटर की रेंज आपको ये देगा। क्या बात है, बैटरी भी बहुत पावरफुल है और ये देखो कितनी बड़ी इसके अंदर बैटरी लगी सर। तो खाली बैटरी ही बड़ी नहीं है, ई रिक्शा में जो हम मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम मोटर यूज करते हैं 1200 वाट की, कंट्रोलर यूज करते हैं 1200 वाट का। ओके, इसके अंदर हम जो मोटर यूज करते हैं वो 1500 वाट की यूज करते हैं। 1500 यानी और भी हैवी मोटर मिलने वाले, यानी आप अगर इसमें कितना भी लोड रख लो, कितना भी हैवी लोड रख लो सर, आप 7 क्विंटल 8 क्विंटल लोड आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसमें 1500 वाट की मोटर है और 1500 वाट का ही कंट्रोलर है। प्लस इसके शॉकर सवारी वाले रिक्शे से भी हैवी है, 31 इंच के शॉकर देते हैं सर। शॉकर देखो, देखिए एक नजर शॉकर पे फेर लेते हैं, जो ये सर आपके सीवाई गोल्ड के होने वाले हैं। अच्छा, ये सीवाई गोल्ड के शॉकर मिलने वाले हैं, और सर शॉकर वगैरह में अगर कोई परेशानी आ जाती है, और सर इसके अंदर जो टायर है वो भी ई रिक्शा से बड़े हैं, ई रिक्शा में 3x75x12, और इसके अंदर हम जो टायर यूज करते हैं वो 4x12 के टायर यूज करते हैं। इसके अंदर हम आपको ये भी सेम है डिजिटल मीटर। अच्छा, डिजिटल मीटर मिलने वाला है। यस सर, डिजिटल मीटर भी, सेंटर लॉकिंग भी। Okay. सेंट्रल लॉकिंग सर, एंटी थेफ्ट अलार्म होता है इसके अंदर भी। अच्छा, ये देखो गाइस, मतलब फीचर तो ई रिक्शा में भर भर के दे दिए, जैसे इलेक्ट्रिक कारों में होते हैं ना फीचर भर भर के दिए जाते हैं, वही चीज आपको ई रिक्शा में भी दे दे। तो यहाँ पे साउंड सिस्टम भी यहाँ पे आपके लिए लगा रखा है। इसके अंदर भी सर सेम एलईडी लाइट्स, मोटर वाइपर सब है। यहाँ पे देखो आपको मोटर वाइपर, एलईडी लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे सब प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये भी सर ऑन करने पे ही चालू होगा सर? यस सर, बिल्कुल ऑन करने पे ही लाइट चालू होगी, अभी ये सिर्फ बेसिक्स वाली लाइट चल रही है। ये देखो हैलोजन भी जल गई, तो बहुत सही चीज है यार ये तो। ये देख सकते हो आपको मतलब फीचर ई रिक्शा के अंदर सारे मिल रहे, और ई रिक्शा की क्वालिटी भी बेस्ट होने वाली है। सर ये पूरा मेटल है? जी सर, ये पूरा मेटल है सर। और हम ये जो ई रिक्शा की, जब मैंने आप जैसे आपको बताया था कि 182 किलो में चेसी यूज करते हैं, इसकी जो हम चेसी यूज करते हैं वो नियर अबाउट 385 किलो के आसपास हम इसकी, सर खाली बॉडी की बात कर रहा हूँ, सामान की बात नहीं कर रहा, खाली बॉडी बॉडी, खाली बॉडी बॉडी 385 किलो में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको डायमेंशन की आपने बात की थी, ई रिक्शा में जो हमारा जो डिफरेंशियल था वो 36 इंच था। अच्छा, इसके अंदर जो हम डिफरेंशियल यूज करते हैं नीचे वो 42 इंच का यूज करते हैं सर, 42 इंच का, और मोटर सर 1500 वाट की। ये देखो 1500 वाट की हैवी मोटर और सब कुछ, यानी हैवी लोहा भी एकदम बढ़िया वाला मजबूत वाला लगा रखा है, यू नो हर चीज हैवी हैवी सर। गारंटी है, अगर कोई सिंगल पर्सन डाला उठा दे तो लोडर हम फ्री दे देंगे, अकेले उठाना पड़ेगा सर डाला। क्या बात है, उठेगा ही नहीं सर? नहीं उठेगा सर, बहुत हैवी है। वही तो, उठने का ही नहीं है, हैवी इतना होता है, और इसके अंदर माल इतना मजबूत लगा रखा है आपने, हिल ही नहीं सकता। और छत वत भी देखिए एकदम बढ़िया, छत भी आयरन में देते हैं सर। ये भी आयरन में, ये भी आयरन। क्या बात है गाइस, ये भी आयरन में मिलने वाले। और ई रिक्शा आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। ये हमारा MS का डिजाइन है सर, लोहे का। ये दूसरा डिजाइन है, जैसे आपने पहले डिजाइन देखा था, ये दूसरा डिजाइन है उसका। ये देखो, ये उसका दूसरा डिजाइन मिलने वाला है। और ये देखो सीट वगैरह भी क्वालिटी बेस्ट रहने वाली है। ये देखो आपको मतलब चीजें सारी ई रिक्शा के अंदर प्रोवाइड करी जा रही है, और लोन वगैरह की फैसिलिटी आपको सारी मिल रही है, और डाउन पेमेंट वगैरह भी सर ने आपको बता दी कितने रहने कि आप 11,000 दीजिए और अपना ई रिक्शा आप ले जाइए। अच्छा सर, कोई बाहर से देख रहा है, दिल्ली से बाहर से, तो वो भी इजीली परचेज कर सकता है? सर हम पैन इंडिया काम करते हैं, दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, MP, UP, बिहार, पंजाब, आप कहीं से भी हैं, आपके व्यूअर्स हमारे भाई कहीं से भी हैं, वो ई रिक्शा हमारे से परचेज कर सकते हैं।
बट सर हम दिल्ली में जो लोन की फैसिलिटी है वो हम आपको दिल्ली में प्रोवाइड करेंगे, अगर आप हमारे से दिल्ली से बाहर रिक्शा परचेज करते हैं या लोडर परचेज करते हैं तो आपको वो हमारे से कैश परचेज करना पड़ेगा सर। उसमें बाहर हम लोन की फैसिलिटी आपको नहीं देंगे, लोन की फैसिलिटी हम आपको सिर्फ दिल्ली में देंगे सर। तो बाहर लोन की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, दिल्ली के अंदर मिलने वाले। खैर कोई बात नहीं, दिल्ली में भी जो है बहुत लोग हैं जो अभी ई रिक्शा परचेज करना चाहते हैं और वो परचेज करने वाले हैं, तो उन्हें एक अच्छी फर्म मिलेगी, अच्छी फैक्ट्री मिलेगी, अच्छी शॉप मिलेगी, तो बहुत सही मिलने वाला है। मतलब आपसे जुड़े हैं हमारे व्यूअर। मैं सर आपको पूरा एक बार रिव्यू कराऊंगा, एक बार आप फ्रंट से लेके एंड तक सारा उनको स्टॉक दिखा सकते हैं हमारा। ओके, काफी स्टॉक होने वाला है हमारे पास यहाँ से। गाइस मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ का आपके स्टार्टिंग पे ही जो है एक ई रिक्शा आपका रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी ई रिक्शा है, उसके बाद ये आ जाता है लोडर, यहाँ पे भी ई रिक्शा, फिर ये एक और लोडर और ये ई रिक्शा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब लोडर और ई रिक्शा दोनों मिलने वाले हैं। और अंदर तक यहाँ पे आपका सर ये हमारी वर्कशॉप है। ओके, ये हमारी वर्कशॉप है, हम पुराना रिक्शा भी परचेज करते हैं, जैसे मतलब परचेज कहने का मतलब है हमारा हम एक्सचेंज करते हैं। अगर किसी हमारे भाई के पास पुराना रिक्शा है और उसकी पासिंग खत्म हो चुकी है, वो चाहते हैं कि हमें पुराना रिक्शा बेच के हमें नया रिक्शा लेना है, उन्हें मार्केट में उस रिक्शे के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो हम मार्केट से बेस्ट प्राइस उन्हें देंगे। हम जैसे ओल्ड रिक्शा परचेज कर लिया सर, जैसे आप देखेंगे ये ओल्ड रिक्शा परचेज कर लिया और कस्टमर को नया रिक्शा दे दिया। आप आए, अगर आपके पास लाइसेंस आपके पास रिक्शे का है तो ठीक है, नहीं है तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे बनवाने की, और बनवा के आपको हैंड टू हैंड आपको न्यू रिक्शा दे देंगे, पुराना आपसे परचेज कर लेंगे, नया आपको दे देंगे। क्या बात, हमारे पास एक्सचेंज की फैसिलिटी भी है और ये हमारी वर्कशॉप है सर। गाड़ी का किसी भी प्रकार का काम हो हम स्पॉट पे करते हैं, मेन ऑन टाइम। तो सर जैसे है एक अंदाजा बता दीजिए जी कि अगर कोई ई रिक्शा खरीदेगा जी जी, तो उसे मंथली उसकी इनकम कितनी हो जाएगी अगर सर, वो कमाएगा तो? सर मंथली इनकम की अगर बात करें, देखो वो तो एक रिक्शे वाले पे डिपेंड करता है। हुँ? पर सर अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि वो कितने पैसे कमा सकता है, तो मेरे हिसाब से सर अगर एक ई रिक्शे वाला सिंगल चार्ज करके अगर अपने घर से निकलता और अपना काम करता है तो 1500 से और 2000 रुपए वो पर डे कमा सकता है, क्योंकि इसकी जो ई रिक्शा में जो बैटरी चलती है वो चलती है सर 120 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर तक। 120 किलोमीटर से 120 से 130, और तो वही सर लोडर में और इसकी नहीं सर, लोडर में बैटरी चलती है 100 किलोमीटर और ई रिक्शा में, क्योंकि सर लोडर में वेट होता है। सही बात है। और ई रिक्शा में क्या है सर, सवारी फ्लेक्चुअल वेट होता है, अभी सवारी 4 बैठी फिर 2 बैठ गई, उसके अंदर वो चलती है बैटरी 130 किलोमीटर और वही बैटरी लोडर में चलती है 100 किलोमीटर। तो कोई भी हमारा भाई अगर वो ई रिक्शा चलाता है तो 1500 से 2000 रुपए वो ई रिक्शा में कमा सकता है और 2000 से लेकर 2500 रुपए वो ई लोडर में कमा सकता है। पर सर काम उनको करना है मेहनत से पूरा, अगर वो 8 से 10 घंटे ई रिक्शा चलाते हैं तो 1500 से 2000 रुपए पर डे कमा सकते हैं। यानी 1500 से 2000 रुपए आराम से, यानी अगर आप 2000 रुपए दिन के कमा रहे हो तो आप महीने के 60,000 रुपए कमा रहे हो। बहुत सही है 60,000 सर, बहुत सही है। और आपके जिसमें ईएमआई सिर्फ रोज की 300 से 400 रुपए होने वाली है सर, 300 से 400 रुपए ईएमआई आपके होने वाली है। आज के टाइम पे ई रिक्शा का किराया भी नहीं है सर ये। क्या बात है जी, ई रिक्शा का सर जो ई रिक्शा का किराया है ना आज के टाइम पे, वो ई रिक्शा का किराया भी 500 से 550-600 रुपए। अगर आपकी ईएमआई, आपको मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा जो हमारे भाई किराए पे रिक्शा चलाते हैं, जो रोज के 500-600 रुपए किराया देते हैं मालिक को, वो अपना रिक्शा लें, कम से कम डाउन पेमेंट लाएं 11,000 रुपए और अपना ई रिक्शा लेके जाएं, मात्र 11,000 रुपए लाएं और ई रिक्शा लेके जाएं। और जो आप किराया दे रहे हो 600 रुपए, बल्कि उसमें भी आप 200 बचाओ, 300 से 400 रुपए पर डे की ईएमआई में हम आपको रिक्शा देंगे। तो गाइस देखा आपने क्यों आपको यहां से ई रिक्शा परचेज करना है, ये सारा आपको सर ने बता दिया है, और जितनी भी है यहाँ पे फैसिलिटी सारी बता दी, कितनी अच्छी अच्छी आपको डील्स मिल रही है, और जिनका आप 2000 रुपए तक आप कमा सकते हैं एक ई रिक्शा से, क्योंकि आपको पता है कितनी डिमांड है यार ई रिक्शा की, और हर किसी को सवारी कहीं ना कहीं जाती रहती है, तो ये काम तो आपका ठप होने नहीं वाला, हमेशा चलता रहेगा। ई रिक्शा चलाइए, पैसे कमाइए, अपने परिवार का पेट पालिए, बहुत सही चीजें रहने वाली है। और गाइस अपना काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम ई रिक्शा नहीं चलाएंगे, छोटा काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ई रिक्शा चलाने वाला सर, कभी छोटा नहीं होता, सर, आप वो भी इसको इंसान ही होता है। नहीं कह सकते सर, आज के टाइम पे ऑटो है ये, आप इसको ई रिक्शा नहीं कह सकते। सही बात है सर, ऑटो को तो रिप्लेस ही कर दिया इसने, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया सर। ऑटो का काम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जीरो कर दिया उन्होंने, जहां पर ऑटो वाला आपको 100 रुपए में छोड़ेगा
वहाँ ई रिक्शा 10 रुपए सवारी लेके चलाया था सर। अच्छा सर, एक अंदाजा बताइए, जैसे ऑटो में क्या है मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा है, तो इसकी मेंटेनेंस का खर्चा क्या सर, है? इसमें कुछ है ही नहीं, मेंटेनेंस है ही नहीं। अगर इंजन होगा तभी तो मेंटेनेंस होगी, इसमें मोटर है कंट्रोलर है जिसमें कुछ नहीं बिगड़ता सर। वही है क्योंकि एक साल की गारंटी हम देते हैं, अगर उस एक साल के दौरान कुछ होता तो उसको हम देखेंगे, बाकी कुछ नहीं होता सर इसमें। अगर आप इसको मेंटेन रखते हैं, मेंटेन चलाते हैं, कोई कुछ नहीं बिगड़ता इसका। क्या बात है, क्या बात है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। तो जाते जाते एक बार हमारे व्यूअर्स को फिर से बता दीजिए आपकी फर्म कहाँ पे लोकेटेड है। सर हमारी फर्म फतेह मोटर आदर्श नगर सराय पीपलथला ओपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 101 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आदर्श नगर। आदर्श नगर का जो सर मेट्रो स्टेशन है वो पिलर नंबर 92 पे है और हमारा शोरूम फतेह मोटर पिलर नंबर 101 पे है, यानी कि सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है सर 2 मिनट का आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन से। ओके, यानी सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है और दूर भी ज्यादा नहीं है, आदर्श नगर से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। तो गाइस स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, आप कॉल करके भी पता कर सकते हो और यहाँ पे भी आप आके पता कर सकते हैं। तो बहुत सही रहने वाले। तो ऐसी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।